सरकार के बात करते हैं, अपने भारत की बात करते हैं, भारत की भारतीयता उनकी कविताओं में दिखाई देती है, उसके मंत्रों में दिखाई देती है। वो चाहे अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु और मृतम गम्या हो, उसके अंदर भारतीयता दिखाई देती है। कोई आदमी किसी भी युग में किसी काल में इसको पढ़े तो अपने आप में जो लोगों को उस राष्ट्र के उस वक्त के दुनिया समझ में आती है। जैसे कहते हैं एकम सत्य प्रा बोधा वदंती, अब ज्ञानी लोग नाना प्रकार के हो सकते हैं लेकिन उनका एक सत्य को कहने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन उस पर देश हो, उस पर समाज हो, उसके अंदर हमारी जीवन शैली हो, जीवन पद्धति हो, जो मुझे शेक्सपियर के अंदर दिखाई नहीं देती है, भले वो कितने भी महान कलाकार हों। जैसे जो मूल मंत्र में लेके चलता हूँ, जो हमारे फिल्मों के अंदर इस्तेमाल मैंने किया है, जिनको रणिज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पश निरा और मृतक समान है। पूरा भारत के जो कहते हैं भारत के जमीन का पिता है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, बंधन की भूमि है या अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है या तर्पण की भूमि है, इसका बिंदु मन गंगा जल है, इसका कम दर कंकर शंकर है, हम जियेंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए, इस प्रकार की कोई भावना कभी भी शेक्सपियर की कविता में कहानियों में नहीं आ सकती। कोई मैं जानने समझने के लिए यहाँ पे दोबारा आया। जय हिंद, वंदे मातरम।